द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बात उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर हुए फरवरी में एक वेबिनार में कही थी। सरकार के इसी निजीकरण के विरोध में कई बैंक और एलआईसी कर्मचारियों की यूनियन सामने आई हैं। इस कड़ी में 15-16 मार्च को बैंक, 17 मार्च को इंश्योरेंस कंपनियों और 18 मार्च को जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की हड़ताल है। भारतीय जनता पार्टी का सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का रुख इस बजट में साफ हो गया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए सरकार के इस साल के विनिवेश का 1.75 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने रखा। विनिवेश, जिसको अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर सरकार किसी सरकारी कंपनी को बेचकर उसकी हिस्सेदारी में एक प्राइवेट कंपनी को शामिल कर लेती है। इस 1.75 लाख करोड़ की रकम को पूरा करने के लिए सरकार ने 2 बैंक और 1 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को बेचने की बात की है। देखिए, सरकार, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हैज अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें हम साबित कर देंगे गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू बी इन बिजनेस। इट इज ऑफिशियल डेटा इज सजेस्टिंग वन, large majority of the public sector enterprises are profit making. 2, CPSEs are contributing significantly to the non tax revenue of the government. तो गवर्नमेंट का क्या मुद्दा होना चाहिए कि उनको और पब्लिक सेक्टर मजबूत करें, नर्चर करें, ताकि वो और पॉजिटिव यील्ड्स गवर्नमेंट के लिए दिया जाए आगे वाले दिन में। रूरल पीपल, कॉमन पीपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक बिजली, सड़क, पानी, जिस हमारा अधिकार है। तो बैंकिंग परिषेवा है, ये भी हमारा अधिकार है। तो दिस इज एन अटैक ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ कॉमन मैन। दैट इज व्हाई वी आर अपोज्ड टू इट। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ आवर जॉब्स, बट इफ वन एटीएम क्लोजेस डाउन, 3 सिक्योरिटी गार्ड्स विल बी लूजिंग देयर जॉब्स, 3 फैमिलीज विल बी फेसिंग स्टार्वेशन। और बैंकिंग एंड इंडस्ट्री है, जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली है, nobody will lose their jobs, but if one bank closes down, there are so many vendors for supplying food, for supplying paper, for supplying this maintaining the electricity or the cleaning the premises. All those people will be losing their jobs. So there will be a rapid job loss across the country, and it will be affecting the economy. The country needs more number of public sector banks. See, this experiment of lesser number of public sector banks have been a disaster everywhere. In Croatia, it happened within the span of last 2 years. All the public sector banks were nationalized. It was supposed to boost the economy. It actually, what happened was totally the reverse. Now, this government needs what this government needs. These crony corporate houses are owning the system. Almost over 7 lakh crore of NPAs. Or basically 90% of these NPAs belong to corporate houses, and the RBI is not publishing the list of willful defaulters. हम एक नीरव मोदी को पहचानता है, एक विजय माल्या का नाम सुना है, एक मेहुल चौकसी का नाम सुना है, इससे हजारों नीरव मोदी, हजारों मेहुल चौकसी, वो सरकार का ऐसे ही निकल गया इंडिया से बाहर। हमने लाखों सिख इंडस्ट्रीज देखे हैं, आज भी एक सिख इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देखे हैं। तो ये सारे, अगर सरकार को ये साबित करना था जो वो कुछ करना चाहते हैं सिस्टम के लिए, देश के लिए, तो स्ट्रिंजेंट लॉज अपनाना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट 20% ऑफ द मोनीज विच आर आउटस्टैंडिंग टू द बैंक्स, इवन इफ दे आर रिकवर्ड, 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग एनपीएस, नॉट अ सिंगल बैंक विल नीड अ सिंगल रुपी ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंस्टेड ऑफ दिस, वी आर ट्राइंग टू नेशनलाइज द लॉसेस। All these corporate houses which owe the system lakh of crore, they will be owning the banks. They will be not required to repay the loans. And another very important part is, once all the banks become private, if a bank fails, the depositors will lose their money. Like what used to happen before nationalization, the government will simply has washed their hands off. उन्हें बता देंगे 5 लाख तक हम डिपॉजिट इंश्योरेंस कर देते हैं, लेकिन हमारा पास अगर 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है जो रिटायर लोग कर रहे हैं, अगर उनका रुपया कहाँ जाए, कहाँ से मिलेगा वो बाकी? सो तो एक तो सर्टिफिकेट उनका हाथ में देकर बताएंगे वो सर्टिफिकेट है, जब हम रिकवरी करेंगे तभी आपको। तो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम द कॉमन पीपल नीड्स टू नो। There will be no loan for self-help groups, no loan for concessional loan for students, no loan for महिलाओं के लिए, जो मजदूर के लिए, किसानों के लिए ये जो सब्सिडाइज लोन है वो बंद हो जाएगा। तो आम आदमी के लिए ये भयंकर दिन आ रहा है, इसके खिलाफ हम हैं। तो इस बार जो हमारा जो 2 दिन का स्ट्राइक है, हमारे साथ किसान भाई जो लड़ रहे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल पावर सेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, एमटीएनएल बीएसएनएल सपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन स्ट्राइक के बाद हमने जो नेशन वाइड जो मूवमेंट का हम सोच रहे हैं, सारे सेक्टर को एक साथ मिलके करेंगे, जम के लड़ेंगे और हमारा साथ आम जो डिपोजिटर्स है, कस्टमर्स है, वो हमारा साथ देंगे, ये जो हम जंग लड़ेंगे। अब आते हैं एलआईसी पर। एक आम नागरिक की समझ से भारतीय जीवन बीमा निगम बचत के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक माना जाता है। एलआईसी सरकार को मुनाफा देने वाली कंपनियों में से एक है। ऐसे में क्यों सरकार इसको प्राइवेट हाथों में दे रही है, इस बारे में हमने बात की एके भटनागर से, जो कि ऑल इंडिया इंप्लॉय इंश्योरेंस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। ये जो काम है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। अब हमारा सवाल पैदा होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत ही एफिशिएंट है तो सरकार इस बात का जवाब दे कि रिसेंटली यस बैंक की हालत आपने देखी, लक्ष्मी विलास बैंक की आपने हालत देखी, या महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की आपने हालत देखी, या वो कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनकी भी हालत आपने देखी। एक के बाद एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। अगर उनका मैनेजमेंट इतना रियली एफिशिएंट है तो उन बैंकों को तो बहुत तरक्की करनी चाहिए थी। अब सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारा जो लड़ाई है, जैसा आपने कहा कि आम जनता का जो देश के हित के साथ प्रॉब्लम हम जो लिंक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि देश की जनता को जो पैसा मिलता है देश के डेवलपमेंट के माध्यम से, वो पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पैसा देश के डेवलपमेंट में नहीं लगाएगा, वो अपने विकास के अंदर पैसा लगाएगा। तो इसलिए अल्टीमेट जनता तो सफ़र करेगी ना। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है जिसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा सरकार देना चाहती है, और किन के हाथों में देगी? जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों का पैसा लूट करके खा रहे हैं। अल्टीमेटली उन्हीं के हाथों में ये एलआईसी ऑफ इंडिया को, या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस को, या पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, ये उनको हैंड ओवर करना चाहते हैं। विनिवेश को लेकर एक सीमित सोच यह है कि सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और इन योजनाओं को चलाने के लिए सरकार को और पैसा चाहिए, लेकिन क्या यह असल वजह है? विनिवेश के पीछे की असल समझ प्रधानमंत्री की इसी बात से साफ हो जाती है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। यहाँ एक अहम बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र का असल मतलब होता है जनता का, इसलिए आम अर्थशास्त्रीय मायनों में व्यापार या बिजनेस नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक कल्याण के अहम निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसलिए ये नफ़े नुकसान जैसी साहूकारी सोच से ऊपर हैं। सरकारी बैंकों, एलआईसी आदि में देश की जनता की जमा पूंजी है। अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यदि बिजनेस करार देकर निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, जिससे कि चंद कॉरपोरेट न सिर्फ जनता की पूंजी हथिया लेंगे, उससे मुनाफा भी कमाएंगे, तो यह देश की जनता के साथ सरासर धोखाधड़ी होगी। साथ ही मोदी सरकार की यह विनिवेश और निजीकरण की नीति सिर्फ बैंकों और एलआईसी तक सीमित नहीं है। देश भर के किसान जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से जबरदस्त आंदोलन चला रहे हैं, उन कानूनों के पीछे भी यही नीति है। किसानों का यही कहना है कि इन कानूनों से सरकारी मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और वो अपनी फसल के दामों के लिए पूरी तरीके से निजी मंडियों और कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएगा। इसके साथ ही कृषि जैसे बेहद जरूरी क्षेत्र में निजीकरण के आने की मंजूरी मिल जाएगी और जमाखोरी की खुली छूट देकर सरकार देश की खाद्यान्न सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। किसानों के साथ देश का मजदूर वर्ग भी श्रम कानूनों पर मोदी सरकार के हमलों का लगातार सामना कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर केंद्र सरकार ने दशकों के संघर्ष के बाद हासिल किए गए मजदूर के तमाम अधिकारों को मालिकों के सामने थाली में सजा कर रख दिया। स्थायी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे आदि से जुड़े हुए सभी श्रम कानूनों में मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी बदलाव किए हैं, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ेगा। इस पृष्ठभूमि में सरकारी बैंक और एलआईसी में विनिवेश या निजीकरण एक बहुत बड़ी जन विरोधी साजिश का हिस्सा है।